लल्लन स्पीकिंग। हेलो, हम फिर आ गया हूँ भैया। सबने बचपन के दिनों में कुछ ना कुछ छिछोरा पंटी तो जरूर की होगी, लेकिन हमारा भी एक साथी था उस जमाने का, जिसका नाम था मस्तराम। हाँ जी भैया, एक गुप्त लेखक था जिसका असली नाम तो किसी को पता नहीं, और काबल दर्जे का लेखक था। उसकी वो मज़ेदार मसालेदार कहानियाँ पढ़कर तो रोम रोम में आग लग जाती थी। तो सुनने में अभी आ रहा है बहुत जल्द मस्तराम पे सिनेमा आ रहा है। सब नए नए कलाकार हैं, हीरोइन भी नई कलाकार है, वेरी गुड आकार। मतलब अच्छी दिखने अच्छी है। अब नज़र कमज़ोर हो गई तो किताब पढ़ना नहीं जमता, लेकिन कोई हमरे जैसा ही मस्तराम का फैन होगा जिसने इस विषय पर फिल्म बनाने की सोची, हमको तो बहुत मजा आने वाला है। यूट्यूब पे तो ट्रेलर भी रिलीज हो रहा है। ट्रेलर देख देख के हम तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन लगा दिए जो थिएटर में काम करता है कि भाई पहले टिकट हमको मिलनी चाहिए, बोल देते हैं हम। हाँ, हम बोल दें उसको, इस उम्र में भी हम बहुत एक्टिव हूँ, रोज़ बादाम खाता हूँ, हमें सेहत के लिए डर्टी माइंड। हम तो सिर्फ फिल्म इसीलिए देखूंगा कि कितना दिखाया और कितना छुपाया है। लेकिन हमको पता है कि फिल्म अच्छी बनेगी, ऐसी फिल्म बनाने वाले लोग एकदम फंसाते नहीं है, बिल्कुल सही चीज दिखाते हैं। आई लव इट। बैंग बैंग, आई मीन बाय बाय। हमारी और भी चटपटी और मसालेदार बातें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा ये चैनल लल्लन स्पीकिंग, समझे।